हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे पास ये एक इंडक्शन चूल्हा आया है, जिसका पावर ऑन करने पर इसमें कुछ भी लाइट नहीं आ रहा है और कोई साउंड भी नहीं आ रहा है। तो चलिए इसको जल्दी से खोल लेते हैं। खोलने के बाद में इसको पावर देते हैं, और जैसे ही पावर देते हैं तो इसमें फ़ैन रन कर रहा है और डिस्प्ले में कोई लाइट नहीं आ रहा है। इसमें कोई भी वायर निकला हुआ तो नहीं दिख रहा है, फिर भी एक बार और ऑन करके देख लिया। तो ऑन करने के बाद में हमने इसके वायर को लूज कनेक्शन पाया है, जिसमें थोड़ा सा हिलाने पे इसमें लाइट आ रहा है। तो देखते हैं कि लाइट लूज कनेक्शन की वजह से नहीं आ रहा था या फिर कुछ और प्रॉब्लम है। तो इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए, जैसे इसको हम पावर बटन को ऑन कर रहे हैं तो ऑन हो रहा है। उसके बाद में यह हमें बोल रहा है कि फंक्शन बटन को दबाएं, तो यह फंक्शन बटन को प्रेस किया। इसके बाद में हमें एक एरर शो कर रहा है, जो कि E9 का एरर बता रहा है। तो E9 का एरर के साथ में हमें ये मालूम पड़ रहा है कि इसका फ़ैन बहुत ही ख़राब चल रहा है, बहुत आवाज़ कर रहा है। तो उसके फ़ैन को सबसे पहले तो हम बदल लेते हैं। तो मेरे पास ये नया फ़ैन है, जिसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ पुराने फ़ैन के साथ। ठीक है, तो मैंने फ़ैन को तो रिप्लेस कर दिया है। इसके बाद इसके बारी आती है, इसमें जो केबल लगी है वो केबल भी कहीं से पिघल करके चिपकी हुई है, जो कि रन तो हो रही है लेकिन आगे समय में ये ख़राब हो सकती है। इसके लिए मैं इसको भी बदल देता हूँ, ताकि हमें कुछ प्रॉब्लम ना आए और सामने वाले पार्टी को भी कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो इसको निकाल कर फेंक दिया और नया केबल लगा देते हैं। जल्दी से नए केबल को लगा लेते हैं। इसके बाद बारी आती है पावर देने की, और पावर देने के बाद में हमें इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एसी वोल्टेज चेक कर लेंगे, हमारा एसी वोल्टेज सही से आ रहा है कि नहीं। तो केबल के दोनों पॉइंट पे देखिए, 230 का एसी वोल्टेज आ रहा है, और ये रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर के दोनों पॉइंट पे भी वोल्टेज आ रहा है। और रेक्टिफायर के बाद में डीसी वोल्टेज आता है, तो डीसी वोल्टेज में वोल्टेज आ रहा है लेकिन 200 के समथिंग आ रहा है। तो ये वोल्टेज कम क्यों आ रहा है, ये वोल्टेज कम है, यहाँ पे 300 के समथिंग वोल्टेज आना चाहिए, जो कि कम है। तो फिर इसमें कुछ ना कुछ शॉर्टिंग होगा, इसके लिए हमें इसको चेक करना पड़ेगा। ये जो ब्रिज के बाद में जो वोल्टेज आता है, वो वोल्टेज कम आ रहा है, जिसकी वजह से हमारा इंडक्शन E9 का एरर शो करा रहा है। तो ठीक है, ये जो ब्रिज है, ब्रिज के बाद में ये जो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा रहता है, और ये IGBT से होके, कैपेसिटर से होके IC तक जाता है। तो ये कैपेसिटर है जो कि रेक्टिफायर के बाद लगा हुआ होता है। तो सबसे पहले तो उस कैपेसिटर को निकाल के देख लेते हैं। कैपेसिटर को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अगर IGBT ख़राब होता तो हमें सीरीज बल्ब ग्लो होके बता देता, लेकिन IGBT शॉर्ट नहीं है, यहाँ कैपेसिटर ही शॉर्ट होगा, इसलिए हमने कैपेसिटर को निकाल के देखा। तो देखिए, ये आपको दिख रहा है कैपेसिटर अंदर से ब्लास्ट हो चुका है, जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से ख़राब तो नहीं हुआ लेकिन वोल्टेज को ड्रॉप कर रहा है, ये शॉर्टिंग करंट निकाल रहा है। तो सबसे पहले इस कैपेसिटर को हम रिप्लेस कर देते हैं, जो कि मेरे पास ये कैपेसिटर है, इसकी जगह मैं इसको लगा देता हूँ। ये 4UF का है, और मेरे पास जो नया वाला है वो 5UF का है।
और ये 400 वोल्टेज है, दोनों 400 वोल्टेज के हैं, एक 5UF का है और दूसरा 4UF का है। तो कोई बात नहीं, 5UF का भी इसकी जगह काम करेगा। तो चलिए मैं फटाफट इसको फिट कर देता हूँ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और कुछ जानकारी मिल रही है तो आपको हमारा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ताकि आगे और ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक की रिपेयरिंग के वीडियो आते रहें। तो दोस्तों ये E9 का ईयर जो आ रहा है, इस ईयर का वजह यही है कि इसका वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, जिसकी वजह से E9 का ईयर आ रहा था। अब हम इसके वोल्टेज को चेक कर लेते हैं, जो डायरेक्ट हमारे रेक्टिफायर के बाद में 200 वोल्टेज शो हो रहा था, अभी कितना हो रहा है आप खुद देख लीजिए। तो ये मैंने ग्राउंड लगाया है, ग्राउंड के बाद में एक प्रोब इस पर लगाया, तो देखिए हमारा वोल्टेज 300 के ऊपर आ गया है, 319 आ गया है। तो वोल्टेज हमारा सही हो गया है, अब हमारा इंडक्शन प्रॉपर वर्क करेगा। दोस्तों इससे ज़्यादा कुछ भी फॉल्ट नहीं है इसमें, E9 का एरर इसीलिए हमें शो हो रहा था क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था। अब सबसे पहले हम इसको वापस फिट कर लेते हैं, फिट करने के बाद में इसको ऑन करके देखते हैं कि अभी हमें E9 का एरर तो नहीं आ रहा है। E0 का एरर आएगा तो इसका मतलब है कि हमारा मेटल सेंस नहीं हुआ है, तो मेटल सेंस करने के लिए तो हमें इसके ऊपर एक बर्तन रखना पड़ेगा। तो अभी इसको ऑन करते हैं। इसके पावर बटन को प्रेस करते हैं जो कि टच वाला है, ये ऑन दिखा रहा है। इसके बाद में फंक्शन बटन को दबाया और अभी हमारा देखिए E9 का एरर हट गया है, E0 का दिखा रहा, क्योंकि E0 तो हमारा मेटल सेंस का होता है, इसलिए इसके ऊपर पहले मेटल रख देते हैं। अब ऑन करके देख लेते एक बार। अभी ऑन किया, फंक्शन दबाया और हमारा ये इंडक्शन चालू हो गया है। मैं इसके टेम्परेचर को कम कर देता हूँ, 1000 पे सेट कर दिया हूँ। तो देखते हैं कि हमारा पानी गर्म हो रहा है कि नहीं। तो देख लीजिए ये अभी हमारा प्रॉपर तरीके से इंजेक्शन रन कर रहा है और पानी भी हीटअप होना चालू हो गया है, इसका पानी के अंदर से बुलबुले आने चालू हो गए, तो ये सही हो गया। ठीक है दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। लास्ट टाइम जाते वक्त वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।